हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो त्योहारों की मीठी मीठी रेसिपी के बीच में आज मैं एक तीखी चटपटी रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो ना जबान का जायका बदल देगी, बहुत टेस्टी बनती है। ये है फूली फूली कचौरियाँ। जी हाँ, आज मैं आपके साथ में आलू की कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। त्योहारों पे इसका भी बनना बनता ही है, क्योंकि वैसे तो ये रेसिपी किसी भी त्योहार या किसी भी मौसम की मोहताज नहीं होती। ये तो कभी भी बना लो, बहुत अच्छी लगती है। तो सारे टिप्स के साथ में इसको मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि फूली फूली कचौरियाँ बिना फटे किस तरीके से बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर 3 कप मैंने मैदा लिया है, और आप चाहे तो इसमें आधा मैदा और आधा आटा मिला सकते हैं, गेहूं का आटा। साथ में आधा चम्मच अजवाइन इस तरीके से हाथों के बीच में मसलते हुए डालिएगा, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अजवाइन डालने से ना कचौरी डाइजेस्टिव हो जाती है। साथ में मैंने नमक डाला है स्वादानुसार, और 1/3 कप घी डाला है। तो देखिए, एक चीज होती है कि अगर कचौरी या कोई भी चीज खस्ता बनाना चाहते हैं ना, तो वहां पे घी का मोयन दिया जाता है, और अगर कड़क बनाना चाहते हैं, कुरकुरी सी बनाना चाहते हैं, तो तेल का मोयन दिया जाता है। तो कचौरी तो खस्ता होती है, तो यहाँ पर घी का मोयन देंगे, और इस तरीके का लड्डू बनना चाहिए। हाथों में दबाएंगे और एक फिंगर से थोड़े तो टूटना चाहिए। पर अगर समोसा बना रहे हैं ना, तो तेल का मोयन दीजिएगा, क्योंकि समोसे तो करारे ही पसंद किए जाते हैं, तो समोसे में तेल का मोयन दिया जाता है। अब इसको ना बिल्कुल गीला सॉफ्ट सा आटा लगाना है। ये देखिए, इस तरीके का भी स्टिकी स्टिकी सा आटा है। पूरा 1 कप पानी इसमें लग चुका है, और अब इसको ना अच्छे से मसाज देंगे। अच्छे से इसको पटकते हुए हमको गूंथना है। गूंथ तो चुका ही है, अब इसको पटकना है, जिससे कि बहुत अच्छी इलास्टिसिटी और ग्लूटर इसमें डेवलप हो जाएगा। बहुत अच्छा खिंचाव, लोच आ जाता है इस आटे में। और ध्यान दीजिएगा कि कचौरी का आटा जितना सॉफ्ट आप लगा सकते हैं, जितना सॉफ्ट आप हैंडल कर सकते हैं ना, उतना सॉफ्ट लगाइएगा। तो ये देखिए, मैं इसको पटकते चली जा रही हूँ, और इस तरीके से पटकते हुए इसका नरम सा आटा तैयार कर लेना है। तो थोड़ा सा फर्क होता है समोसे के आटे और कचौरी के आटे में, मैं साथ साथ में आपको ये भी बताती जा रही हूँ। और देखिए, 5-7 मिनट मैंने इसको अच्छे से पटका है और गूंथती गई हूँ, तो ये इसकी स्टिकीनेस, जो चिपचिपापन था ना, वो चला गया है। हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा बन चुका है, और बिल्कुल भी बर्तन में भी नहीं चिपक रहा है। तो बस हमारा इस तरीके का जब आटा बनकर तैयार हो जाए, मतलब ये परफेक्ट डो लग चुका है, और बहुत बढ़िया सॉफ्ट डो लगाना है। ये देखिए, बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा है, और इस तरीके का आटा होना चाहिए कि मैं इसको फिंगर से इस तरीके से प्रेस करूँ ना, तो ये वापस उठ के अपनी पोजिशन पे लगभग लगभग आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा ग्लूटन और इलास्टिसिटी इसमें डेवलप हो चुकी है, परफेक्ट आटा लग चुका है, हाथों में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। और इसको मैं ढक के रेस्ट करने के लिए रखूंगी कम से कम आधा घंटे के लिए, और आधा घंटा बहुत होता है इसकी फिलिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक इमाम दस्ता लिया है, बहुत बढ़िया चटपटा सा मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डाला 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, आधा टी स्पून जीरा, 1 टी स्पून सौंफ, साथ में 10 से 12 काली मिर्च के दाने, 3 साबुत लाल मिर्च, और 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको ना बिल्कुल दरदरा सा ही क्रश करना है, तो इसको मिक्सी में नहीं चलाइएगा, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी। इस तरीके से दरदरा कूट लीजिएगा ना, तो बहुत 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 अच्छा टेस्ट आता है इस फिलिंग में। तो ये हमारा बहुत बढ़िया सा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। और अब यहाँ पर लिया है मैंने 1 अदरक लगभग 1 से 1.5 इंच का, और इतनी जल्दी पड़ी है ना कि मैंने ग्रेटर पे उल्टा लगा के ग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। एनीवे, खैर इसको सीधा किया और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको भी इमाम दस्ते में क्रश कर सकते हैं, और ये काम भी हो गया। और चलिए फटाफट से मसाला बनाने की तैयारी में चलते हैं। तो अच्छा, आलू ना मैंने पहले ही उबाल के रख लिए थे सुबह ही, तो आलू एकदम गरम गरम से ना लीजिएगा, वरना क्या होता है कि वो आलू की ना लेई जैसी बन जाती है, बिल्कुल चिकने से आलू हो जाते हैं। तो थोड़े से ठंडे हो जाए ना आलू, उतने उस काम के लिए आप पहले से उबाल के रख लीजिए। और यहाँ पर मैंने लगभग 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और आँच को बिल्कुल धीमे पे ही रखना है, और इसमें तेल के थोड़ा गर्म होते साथ ही ये सारा का सारा कचौरी वाला मसाला इसमें डाल देना है, और फटाफट से इसको चलाना है ताकि ये जले नहीं। तो स्पैचुला भी मेरे पास में नहीं था, फटाफट मैं स्पैचुला लेके इसको चलाना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ में कचौरी तो हींग के बिना अधूरी है, तो हींग मैंने डाला आधा से 1/4 चम्मच, साथ में अदरक भी डाल दिया है। सभी चीजें एक साथ डालती चली जा रही हूँ ताकि फटाफट से भूनती चली जाए। और साथ ही साथ में 2 हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप करके रखी थी, ये भी मैंने इसी स्टेज में डाल दी है। और बस बिल्कुल धीमी आंच पे कुछ सेकंड्स के लिए इसको भून लेंगे, बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। अब इसमें लगभग 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, जिससे कि खूब अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो तेल में ये भून जाएगा ना, तो बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाएगा इस मसाले का।
और यकीन मानिए ये टेस्ट मतलब इसका स्वाद ना वाकई में बहुत अच्छा आता है। अब हलवाई लोग ना यहाँ पर बेसन जरूर मिलाते हैं बाइंडिंग के लिए और खूब अच्छे टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने बेसन मिला लिया है और बेसन मिला के ना बिल्कुल धीमी आंच पे इसको अच्छे से भून लेना है लगभग 2 से 2.5 मिनट तक। तो मसाला भून चुका है, अब इसमें मैं यहाँ पर उबले हुए आलू इसी तरीके से मैश करके डालती चली जा रही हूँ। तो 7 से 8 आलू मैंने इसमें मैश करके डाले हैं। तो जितनी कचौरी बनाना चाहते हैं उतना बढ़िया शानदार मसाला बनाइए। तो इससे ना आलू नान वगैरह भी बन जाती है, इस आलू के मसाले से इतना टेस्टी होता है। और इसमें ना काले नमक का इस्तेमाल ज्यादा कीजिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने 3/4 चम्मच काला नमक और 1/4 चम्मच सादा नमक डाला है, बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है काले नमक के कारण। और आलू इसी तरीके से फोड़ के डाले थे ना, तो स्पैचुला से ही फोड़ते भी चले जाएंगे, मैश करते चले जाएंगे और भूनते चले जाएंगे आलू को। तो इसकी भुनाई अच्छे से करना जरूरी है, बिल्कुल भी पानी का कंटेंट नहीं होना चाहिए, वरना क्या होता है मसाला आलू कचौरी में से निकलने लगता है। अब 1/2 चम्मच अमचूर की खटाई और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। जब मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है तो इसे भी हम डाल देंगे और साथ ही साथ सारी चीजों को मिक्स करते चले जाएंगे। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है और अब यहाँ पे मैंने फिर से कटिंग चॉपिंग स्टार्ट कर दी है, वो है यहाँ पर किशमिश की। तो इस फिलिंग में ना किशमिश का जो हल्का हल्का सा मीठापन आता है ना हर बाइट में, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इसको कट करके डालिएगा, लेकिन वरना पूरी साबुत डाल देंगे ना तो कचौरी में से बाहर निकलने के चांसेस है, क्योंकि ये फूल भी जाती है। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच चीनी। तो ये ना सोचिएगा कि चीनी डालने से कचौरी का मीठापन आ जाएगा कचौरी में, बिल्कुल भी नहीं, सारे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स ना बैलेंस हो जाते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि चीनी और किशमिश जरूर 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 से डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और कटी हुई धनिया पत्ती मैंने ढेर सारी डाल दी है। तो ये हमारी बहुत शानदार सी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरीके से बनाइए, आलू के पराठे में डालिए, कचौरी में तो डलती ही साथ में नान भी बना सकते हैं। तो वो ठंडा हो रहा है मिश्रण, तब तक यहाँ पर एक बढ़िया सा डिप तैयार करते हैं। डिप तो बोला जाता है, हम देसी भाषा में तो इसे चटनी ही कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दही को अच्छे से फेंट लिया है, थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ पर एक जार में मैंने खूब सारी कटी हुई धनिया पत्ती, 3 से 4 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक, साथ ही साथ में 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और काला नमक डालेंगे और 1/4 कप पानी डाल के ना इसको बढ़िया सा पीस लेंगे। तो ये एक चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप चाहें तो इसमें ना नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसको दही के साथ अगर मिला के बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी चटनी बनकर तैयार होती है, और जो कचौरी समोसे के साथ तो बिल्कुल परफेक्ट जाती है। तो ये हमारी हरी मिर्च हरी धनिया की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, दही वाली, बहुत टेस्टी लगती है। और तब तक यहाँ पर ये मसाला भी ठंडा हो चुका है। तो मसाला ठंडा होने के बाद ना एक छोटा सा काम और कर लेंगे, जिससे हमें आगे जो कचौरी बनाएंगे ना बहुत आसानी होगी। तो ये देखिए, इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना के रख लेंगे, छोटी या जितनी बड़ी, जितनी फिलिंग आप भरना चाहते हैं ना कचौरी में, उस हिसाब से बॉल को तैयार कर लीजिए। तो मैंने ये नींबू के साइज की बॉल्स तैयार कर ली है, लगभग 8 से 10 कर ली है। और तब तक यहाँ पर आटा बढ़िया से आराम करके अच्छे से सेट हो चुका है। तो यहाँ पे ना इसके 2 बॉल्स हम कट कर लेंगे। तो एक पोर्शन मैंने इसमें से निकाला और अच्छे से इसको लंबा करते हुए इसकी 4 बॉल्स कट कर लेने वाली हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो आटा है ना, आटे की जो बॉल है उससे कचौरी के जो फिलिंग वाली बॉल है ना आलू वाली, वो थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, तभी बहुत आसानी से भरा जा सकता है। और इसको फिंगर्स की हेल्प से कटोरी का शेप दे देंगे, ये देखिए इस तरीके से कटोरी का शेप देते चले जाएंगे और किनारे के हिस्से को पतला करते जाएंगे और बीच के हिस्से को मोटा होने रहने देंगे। और एक बॉल रखेंगे, बॉल को अंदर की तरफ अंगूठे से प्रेस करते जाएंगे और आटे को दूसरे हाथ की फिंगर से ऊपर की तरफ उठाते चले जाएंगे। और ये देखिए बहुत ज्यादा आसान है। और इसको इस तरीके से पिंच करते हुए, चोंच बनाते हुए मोड़ लेंगे, अच्छे से ट्विस्ट कर देना है ताकि सीलिंग बढ़िया से हो, और इसको तोड़ के निकाल देंगे। तोड़ के निकाल दीजिए या वहीं पे इसको फोल्ड कर दीजिए, इसीलिए सॉफ्ट आटा लगाना जरूरी होता है कि अगर सख्त होगा ना तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ये प्रेस नहीं हो पाएगा, मतलब आटा, मतलब इसमें से फिलिंग निकलेगी। और मैं इसको ना इसी तरीके से हथेलियों के बीच में प्रेस करके कचौरी को तैयार करती हूँ ज्यादातर, क्योंकि अगर आप इसको बेल लेंगे ना तो बेलने से क्या होता है बहुत परफेक्ट तरीके से फूलती नहीं है। तो परफेक्ट कचौरी बनानी है ना तो हाथों में ही प्रेस करके उसको तैयार किया जा सकता है। आलू का मसाला सभी जगह पूरी तरीके से इवनली फैल जाता है, और ये भी एक तरीका होता है कटोरी बनाने का। जैसे दिवाली में हम लोग आटे के दिए लगाते बनाते हैं ना, उसी तरीके से मैंने ये दिया बना लिया, मैदे का दिया बना लिया है। इसमें आलू के मसाले को रखा, अंगूठे से उसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और दूसरे हाथ की फिंगर से आटे को ऊपर की तरफ प्रेस करते हुए चोंच बना ली,
और चोंच बना के अच्छे से ट्विस्ट करना है, और उसके बाद इसको या तो तोड़ के निकाल दीजिए या वहीं पे उसको फोल्ड करके सेट कर दीजिए। और बस ये दूसरी कचौरी भी बनकर तैयार हो चुकी है। सॉफ्ट आटा लगाने से ये एक अच्छी बात होती है कि ये बिल्कुल भी फटते नहीं है, और आटे की जो लोई भी है ना वो भी बहुत छोटी मत लीजिएगा, वरना इसके फटने के चांसेस रहेंगे। तो अगर एक भी फट गई ना तो सारा सामान, सारी मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो जाती है और सारा वक्त भी खराब हो जाता है। तो इस तरीके से हमने कचौरियों को एक बैच की तैयार कर लेना है। ये देखिए दो कचौरियां बन चुकी हैं। इसी तरीके से मैंने 5-6 कचौरियां बना ली हैं एक बैच की। तेल मैंने गर्म होने रख दिया था, तो तेल को बहुत कम ही गर्म रखना है। कि देखिए मैंने इसमें चेक करने के लिए डो बॉल डाली तो वो नीचे के नीचे ही काफी देर तक तैरती रही, एकदम से ऊपर नहीं आई। मतलब तेल इस तरीके का होना चाहिए कि कचौरियां एकदम से तैर के ऊपर नहीं आने चाहिए, वरना क्या होगा कि ऊपर से तो सिक जाएंगी, अंदर से कच्ची कच्ची सी रहेंगी। तो बिल्कुल धीमी आंच पे सेकना है, और धीमी आंच पे मैंने यहाँ पर 5 कचौरियां डाल दी हैं। अब इसको ना बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, इनको यूं ही पड़े रहने देना है। ये ऐसी ऐसी फूलती चली जाएंगी। देखिए ये फूल चुकी है, मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। 4-5 मिनट हो चुके हैं, धीरे धीरे करके ऊपर आने लगी है, और इनको अभी भी हमको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। बस इसके बाद मैं थोड़ा सा चम्मच की सहायता से ना इनको सेट कर दूंगी। ये देखिए, पर मैंने अभी पलटा नहीं है, पलटेंगे तब जब ये एक तरफ से ना अच्छे से सिक जाएंगी, उसके बाद ही हम पलटेंगे। ये अपने आप ही फूलती रहेंगी। तो ये देखिए एक तरफ से सिक चुकी हैं, तो मैंने इनको धीरे धीरे करके पलट दिया है, केयरफुली पलटिएगा। और ये देखिए अब दूसरी तरफ से भी ये सिकेंगी। इस तरीके से अलटते पलटते हुए हमारी फूली फूली कचौरियां बनकर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए इसको अलटते पलटते हुए मैंने सेक लिया है, लगभग 15-17 मिनट लगे हैं इसको सिकने में, बिल्कुल धीमी आंच पे। क्रिस्पी करारी मैंने इसको, क्रिस्पी करारी नहीं बोलेंगे इसको, इसको खस्ता कचौरी बोलेंगे, क्योंकि हमने घी का मोयन दिया है। तो यहाँ पर बहुत ही खस्ता कचौरी फूली फूली सी बनकर तैयार हो चुकी है। गर्मा गर्म कचौरियां तैयार है, पर अभी एक इसमें और तड़का लगाना है, वो तड़का है हरी मिर्च का। तो हरी मिर्च को बीच से मैंने चीर लिया था, चीर के ही डालिएगा वरना बहुत बुरी फूटती हैं, तेल में जाके बहुत केयरफुली करिएगा। तो चीरा लगा के मैंने इनको तेल में डाल दिया है, और जब ये हरी मिर्च का फ्लेवर कचौरी में उतर के आता है ना, तो भाई वाह क्या कहना, बहुत अच्छी कचौरियां लगती हैं। तो ये हरी मिर्च को भी मैंने कुछ सेकंड्स के लिए तेल में कचौरी के साथ ही भून लिया, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बस इसको फटाफट से निकाल लेंगे। तो ये एक बैच कचौरी का बनकर तैयार हो चुका है। तो त्योहार में सिर्फ मिठाइयां थोड़ी नहीं, इस तरीके की चटपटी चीजें भी बनाइए, तभी तो त्योहार पूरा होता है। तो ये कचौरियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसी तरीके से ना आप किसी भी दाल की, जो भी भुट्टे की कचौरी, मैंने बहुत सारी कचौरी अपने चैनल में शेयर की हुई है, बना सकते हैं। पर जैसा मैंने आटा लगाना बताया है इस वीडियो में, उसी तरीके से बनाइए, तो कभी भी नहीं फटेंगी, कभी भी तेल खराब नहीं होगा, और कभी भी हमेशा ही ना फूली फूली सी कचौरियां बनेंगी। तो दूसरे बैच की भी कचौरियां मैं डाल दे रही हूँ, पर मैंने आंच को देख लिया, क्योंकि आंच को फिर से और एकदम धीमे पे छोड़ देना है, ताकि ये आराम से सिके धीमे तेल पे, धीमे आंच के तेल पे। तो यहाँ पर ये बैच मैंने सर्व कर दिया है। साथ ही साथ में सबसे पहले मैं सर्व करने वाली हूँ हरी धनिया की चटनी, और यहाँ पर मैंने इमली की चटनी भी सर्व की है। तो ये इमली की चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ कई बार, और एक अलग से भी इमली की चटनी की रेसिपी शेयर की है, उसका फुल वीडियो है मेरे चैनल पे, जाके देखिएगा। बहुत आसान और बहुत टेस्टी चटनी बनाकर तैयार की जा सकती है, और आप आवाज से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि कितनी बढ़िया कचौरी बनकर तैयार हुई है। बहुत गर्मा गर्म, बिल्कुल ठेला स्टाइल में अब मैं इसको सर्व करने वाली हूँ, क्योंकि कचौरी ना मेरे घर में ना इसी तरीके से खाई जाती है, तभी ज्यादा मजा आता है। मैंने इस पे दही नहीं डाला है, इसके ऊपर से आप दही भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। इस तरीके से कचौरी को फोड़ के उसके ऊपर से चटनियां डालिए, दही डालिए। तो इन त्योहारों पर इसे जरूर बना के देखिएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में कॉमेंट करना ना भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।